अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दोस्ती में। कुछ दोस्तों ने मिलकर इफ्तार पार्टी रखी है। मेरे पीछे आप देख सकते हो इंतजाम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, और ये इफ्तार पार्टी करीबन 100 से 150 लोगों के लिए है। और जितने भी हमारे दोस्ती में दोस्त हैं और आसपास भी कुछ दोस्त हैं, उनके लिए रखी गई है ये इफ्तार पार्टी, ताकि गेट टुगेदर हो। काफ़ी टाइम से, 2 साल से लॉकडाउन था, तो लोग मिल भी नहीं पाए थे प्रॉपरली। तो इसी इफ्तार पार्टी के बहाने लोगों की मुलाकात भी हो जाए, अगर किसी के दिल में गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाए, तो ये इफ्तार पार्टी का यही मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने रखा है, तो चलिए इंतजाम देखते हैं दोस्ती की इफ्तार पार्टी के, और आपको भी दिखाते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में इफ्तार मतलब एक रमज़ान में एक मतलब सवाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कराना किसी को भी बहुत सवाब का काम है, और आजकल हमारी कौम में, खासकर जहां हम रह रहे हैं वहां पे भी ये माहौल देखा जा रहा है। लोगों में, एक मुसलमानों में खासकर एक होड़ पड़ी हुई है, कुछ भी छोटा मोटे काम करना कौम की भलाई के लिए नहीं करना है, अपना नाम करने के लिए करना है। क्या पता लोगों में किस तरीके का ये जला है जुनून, और लोग क्या हासिल करना चाहते हैं अपने नाम को लेके। क्रेडिट लेना इतना क्या ज़रूरी हो गया कौम में। हमारी कौम का जवाल ही इसी वजह से है कि लोग फलाह बहबूदी के लिए नहीं, अपने नाम के लिए और क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी कौम है ना जलील और रुस्वा हो रही है जगह जगह। लोग अगर हकीकत में फलाह बहबूदी के लिए, अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए काम करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से भी गैप से मदद आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा है, लोग अपने नाम चमकाने के लिए या अपना फ़ायदा देखने के लिए थोड़ा बहुत करके, दुनिया का एडवर्टाइजमेंट करके ये चीज़ करते हैं, तो उस पर अल्लाह भी राज़ी नहीं होता है। तो मैं तमाम अपने जो भी इसलिए इस्लामी भाई है, जो जिस तरीके से भी कौम की मदद कर सके ना भाई, तो वो कौम की मदद करे खालिस अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए, ना कि अपने नाम के लिए और ना किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ना बेनिफिट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब और कलाम भाई का भी ये मकसद जो है अल्लाह और अल्लाह की रिजा और इफ्तार में जो इफ्तार का सवाब है वो हासिल करना है, ना कि किसी का नाम करना ना कुछ करना। ये
दोस्तों की तरफ से गेट टुगेदर जैसा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग भी आए जिन जिनको इन्विटेशन है और इसका लुत्फ अंदोज हो। जज़ाकअल्लाह खैर। कलाम भाई आप भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहता हूँ कि जो हमने प्रोग्राम ला दिया है कि एक गेट टुगेदर हो माशाल्लाह दोस्तों में दो एक दूसरे के एक खिलाफ़ है वो ख़त्म होना चाहिए बस और कुछ भी नहीं और किसी बंदे की एक दुआ कबूल हो जाए और उसका रोज़े उसकी बरकत से हमारे सारे मुश्किल और सारे चीज़ें ख़त्म हो जाए बस वो एक नियत है और कुछ नहीं। क्या बात है। मंसूर भाई आज की इफ्तार पार्टी के बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह देखिए जो हमने इफ्तार पार्टी हमारे मुफ्ती अशरफ साहब और हमारे अब्दुल कलाम भाई जिनका शौक था कि हमारे कुछ भाइयों को मिला कि हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं जो रमजान के मुबारक महीने में अफ्तार पार्टी से बेहतर कोई प्रोग्राम ही नहीं हो सकता था। दो भाइयों का हमारा एक शौक था इसके लिए हमको बताया गया तो हम लोग ने बोले बहुत अच्छी बात है अगर ये चीज़ें हैं तो हम लोग का और जितने भी एक्टिव लोग हैं या जितने भी अपने जानने पहचानने वाले हैं हम लोग अफ्तार पार्टी करके लोगों को एक नज़दीक लाने का प्रोग्राम सेट कर। तो सारा इंतज़ाम मुकम्मल हो गया माशाल्लाह सारे भाइयों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। हमारे मुबीन भाई हो हमारे जावेद भाई हो हमारे अब्दुल बाकी एजाज भाई मतलब अभी नाम लेने लगूंगा तो काफ़ी लंबी फेरिस्त है। माशाल्लाह सारे लोगों का इतना योगदान है और ऐसे योगदान इसलिए है कि ये ऐसा रेसिडेंट लोग अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलने का मौका होगा और एक साथ में बैठ के खाने का उनको मौका मिलेगा तो मतलब ये अच्छा एक लोगों को खुशी का माहौल है और जो भी इसमें जुड़ा हुआ है खुशी का है किसी को फ़ोन करके ना बुलाया गया ना कुछ किया गया है। माशाल्लाह ये काम करने के लिए लोग खुद आगे बढ़ के आए हैं और यही प्रोग्राम हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अगर माहौल बना रहेगा तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी हम लोग करते रहेंगे। बेशक बेशक। तो मुफ्ती साहब अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम तो मुकम्मल हो गया है क्या कहना चाहोगे क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को अपने दोस्ती के रेसिडेंट को बाहर की आवाम को जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है तो कुछ बताइए उस बारे में कुछ मैसेज दीजिए। अच्छा सबसे पहले हमारे आका हमारे नबी रसूल ने इरशाद फरमाया शहरुल मुवासात कि रमज़ान का जो महीना है ये गमखारी का महीना है आपस में दूसरे गम के शेयर करना उनके पेन उनके बातें करना उनसे उनको तसल्ली देना। तो आज हमारे तमाम दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी कोशिश की है और छोटी सी इफ़र्ट रखी है ताकि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और हम अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाएं अपने वतन को हम किस तरह आगे बढ़ाएं क्योंकि हम जिस सरजमीन के ऊपर 5 दफ़ा सजदा करते हैं हम जिस मिट्टी के ऊपर 5 दफ़ा सजदा करते हैं हमारे आका हमारे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं।
तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग मिलकर एक अच्छा मुल्क बनाए। और मैं इस बात पर बहुत बिलीव करता हूँ कि ये तेरी मेरी बात है अखबार मत बना, ये तेरी मेरी बात है अखबार मत बना, इस देश को देश रहने दे बाजार मत बना, हिंदू भी चैन से है मुसलमान भी सुख से, उनके बीच नफरत की दीवार मत बना। क्या बात है, क्या बात है। तो हाशमी भाई, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मुफ्ती साहब और मंसूर भाई ने बोला कि हमारे कुछ दोस्तों ने कोशिश की और उस कोशिश के वजह से इंतज़ाम हो सका, लेकिन मैं बोलूँगा कोशिश तो हमेशा जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेम मिजाज के लोग हैं, हम मिजाज लोग जो हैं, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे भी इसी मिजाज के लोग इस दोस्ती में जुड़ते रहें और आगे इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश जारी रहेगी। शुक्रिया। बेशक बेशक, कमाल भाई फुल धमाल में काम कर रहे। तू सब मुबारक महीना है हम सब लोग, तीसरा और तीसरा अक्षरा जो है ये। आयशु अब कहाँ है? अफ्तारी, अफ्तारी पार्टी, अफ्तारी पार्टी, अफ्तारी पार्टी में आया आप? आप रोजा है? रोजा नहीं रखे आज? इधर देखो ना, इधर तो देखो, क्यों क्यों रोजा नहीं रखे? हम आज भाई तो रोजा रखे, आप क्यों नहीं रखे? अच्छा है, बोलो 11 बजे तक थे ना? अच्छा 11 बजे तक थे। इधर देखो, इधर देखो, कैमरे में देखो, बोलो 11 बजे तक थे, कल रखना है। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا الله رحيم يا الله كريم يا الله بہت معاف کرنے والا ہے یا اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں یا اللہ بڑے سیاکار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین یا اللہ ہم ایسے گنہگار بنتے ہیں کہ دن جو جالوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں رات کی تاریکی میں ہم نے گناہ کیے ہیں اے رب کریم تو بہت معاف کرنے والا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما آمین یا اللہ تیری ذات ہے معاف کرنے والی تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں معاف کر سکتا یا اللہ ہم سب گنہگار بنتے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین یا اللہ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہم سے الوداع کہہ کر جا رہا ہے یا اللہ یہ تیسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے ہمارے نبی ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ وہ صرف بڑا بد نصیب ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر اس کی مغفرت نہ ہو یا اللہ پتا نہیں ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی اے مولا کریم اے مولا کریم ہم اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں اپنے آقا کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر آمین یا اللہ اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آمین اے مولا کریم ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم اس نیکی سے کامیاب ہو جائیں لیکن یا اللہ ہم اس بات سے امید ہے کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین یا اللہ جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں مولا کریم تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے آمین یا اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر تو نے ہمیں قبول کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی یا اللہ تو ہم سے دین دنیا دونوں میں کامیاب فرما آمین یا اللہ تو ہماری دنیا کو بھلا بنا یا ہمیں تو دنیا میں اللہ سنت کا عمل جاری فرما یا
या अल्लाह जब हम कब्र में उतारे जाएं, जब हमारे रिश्तेदार जब हमें छोड़ कर जाएंगे, हमारे ऊपर भी मिट्टी होगी, नीचे भी मिट्टी होगी, दाएं भी मिट्टी होगी, बाएं भी मिट्टी होगी, या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं होगा, या अल्लाह होगा तो सिर्फ तेरे नबी का सहारा होगा, तेरे नबी की सुन्नत होगी, या अल्लाह उस नबी हम तुझे वास्ता देते हैं, या अल्लाह हमारे पास नेकी नहीं है कि हम तेरे दरबार में पेश कर सके, या अल्लाह तू हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह तू हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह तू सिरात पे हमारा चलना आसान फरमा, या अल्लाह हमें अपने आका अपने नबी हमारे सरदार सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबे सौतर अल्लाह अता फरमा, या अल्लाह अता फरमा, या अल्लाह हमें पांच वक्त नमाजी बना, या अल्लाह तू हमें ऐसा इंसान बना कि हम लोगों पर खर्च करने वाले बने, लोगों पर देने वाले बने, लोगों पर सखावत करने वाले बने, या अल्लाह हमें रोजी में खूब वक्त अता फरमा, या अल्लाह हमें मत आजमा, हम आजमाने के लायक नहीं है, या अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, या अल्लाह हमारे साथ अफवाहियत का मामला नसीब फरमा, या अल्लाह हमको हसद से बचा, या अल्लाह हमको गीबत से बचा, या अल्लाह हमारी जबान को हमारे नबी के दुरूद शरीफ के कबूल फरमा, या अल्लाह अपने जिक्र के लिए कबूल फरमा, या अल्लाह अपने तौहीद के लिए कबूल फरमा, या अल्लाह नेक काम के लिए कबूल फरमा, या अल्लाह हमें जबान से गाली को दूर कर दे, या अल्लाह गीबत को दूर कर दे, या अल्लाह झूठ को दूर कर दे, या अल्लाह इस रमजान के महीने के अंदर हमने जो कुछ भी मांगा है, या अल्लाह वो सब हमको अता फरमा, मौला करम ए मौला करीम, असल बात तो ये है हम ऐसे फकीर हैं, हमें सही भीख मांगनी भी नहीं आती, लेकिन ये अल्लाह ऐसे मालिक है आप दिल के राज को भी जानते हैं, या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, ए मौला करीम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आजमाइश के अंदर है, या अल्लाह आजमाइश से दूर निकाल दे, या अल्लाह आजमाइश से निकाल दे, या अल्लाह बैतुल मक़दिस के हालात है, या अल्लाह चारों तरफ हालात है, या अल्लाह तो हालात को दूर फरमा, या अल्लाह ये वही मुल्क है जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था, हमारे आका ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, या अल्लाह तो हमारे मुल्क अमन का गहवारा बना दे, या अल्लाह तो हमारे मुल्क अमन का गहवारा बना दे, मौला करीम ये जुर्म हमारा है कि हमने अपने भाइयों को सही पैगाम नहीं पहुंचाया, हमने अपने भाइयों अखलाक से सर पेश नहीं आए, या अल्लाह हमसे बदगुमान हो चुके हैं, या अल्लाह तो हमारी जितनी भी रंजिशें हैं गलत फहमी है ना सब तू दूर फरमा दे, या अल्लाह तेरे लिए कुछ भी नहीं तो कुन फयकून कहता है तो वो चीज हो जाती है, या अल्लाह ये सर जमीन है जिस पर ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत की है, या अल्लाह ये सर जमीन है जिस पर साबिर कलीनी रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत की है, या अल्लाह वालों की सर जमीन है, या अल्लाह जिस हमारे मुल्क को उलमा ने बड़ी कुर्बानी दी है, या अल्लाह हमारे मुल्क को फितने फसाद से बचा, या अल्लाह हमारे मुल्क को फितने फसाद से बचा, या अल्लाह आपस की लड़न से बचा, या अल्लाह झगड़े फितने फसाद से बचा, मौला करीम जो मांगा हो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, इस हमारी टूटी टूटी दुआ को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया। तो अभी आप सबने सुना, सभी हमारे दोस्तों ने जो जो बातें कही बेहद अच्छी बातें कही है, और आप लोगों से और हमसे शेयर करी वो बातें, आप सब भी इस बातों का ध्यान रखना। चलिए अभी इफ्तार का टाइम बहुत ही नज़दीक हो चुका है और अजान होने ही वाली है, तो इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठते हैं। आज का ये वीडियो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।